सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग और आज मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो आज हम रिव्यू करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 इन सेक्टर 81 न्यू गुड़गांव। सो ऑल्दो ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो चुका है, रेरा भी इसका आ चुका है और जो अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट फेज की, कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है और अभी अपने सेकंड फेज के साथ आ रहे हैं जिसमें ये अपनी फ्रीज इन्वेंट्री को अनफ्रीज करेंगे। जैसे कि आपको पता है 50% आपका फ्रीज अनफ्रीज का पहले रूल था, तो 50% फ्रीज यूनिट जो अपनी अनफ्रीज करेंगे ये, राइट। तो वो तो अभी विद इन ए वीक जो है आएंगी, बट अभी फर्स्ट फेज में कुछ इन्वेंट्री पड़ी है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका एक बार रिव्यू किया जाए, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81। तो ये प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 81 न्यू गुड़गांव के अंदर। सो आइए एक बार पहले इसकी हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं और फिर जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो ये जो मैं अपनी कनेक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ मेन रोड है ये आपका, ये सीधा राइट साइड आपका NH8 आ जाता है, दिल्ली जयपुर हाईवे, रामपुरा चौक से पहले आपका वाटिका चौक है, राइट। सीधा आपका NH8 है 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे। सीधा हम चले जाते हैं तो आ जाता है आपका पटौदी रोड जो आ जाता है सीधा। उस पटौदी रोड आने से पहले दादी सती चौक आता है, दादी सती चौक से अगर हम राइट जाएंगे तो सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की 2 मिनट की कनेक्टिविटी बन जाएगी। सामने आपके जो है इस चौक के सामने जो आप देख रहे हो सर्कल 4 के सामने जो है लेफ्ट साइड में आपकी वाटिका की टाउनशिप आ जाती है 550 एकड़ के अंदर, पूरी टाउनशिप है। तो हम यहीं से अपनी जो है कनेक्टिविटी शुरू करेंगे, सर्कल 4 से हम जाएंगे लेफ्ट और लेफ्ट लेते ही हमारी साइट आ जाएगी विद इन 2 to 3 मिनट के डिस्टेंस पे, राइट। चलो चलते हैं। ये आपका सर्कल 4 चौक आ गया, NH8 पीछे से हम आए हैं, यहाँ से लेना है लेफ्ट। जाती है हमारी साइट, ये थी हमारी कनेक्टिविटी, ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अगर मैं फर्दर बात करूं तो NH8 जो आपका मेन NH8 है, जो आप वाटिका चौक है और वाटिका चौक के बाद आपका रामपुरा चौक आता है, उससे विद इन 5 मिनट आप इस प्रोजेक्ट पे आ जाते हो, राइट। और अगर आप रामपुरा चौक से आप लेफ्ट लेके इस साइड पे नहीं आते, बिल्कुल सीधा चले जाते हो, तो वाया दादी सती चौक आप सीधा अटैच करते हो आपका जो है पटौदी रोड, जो कि नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया है। सो ये प्रोजेक्ट जो है कनेक्टेड है आपका NH8 पटौदी रोड प्लस जो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से भी दादी सती चौक से अच्छी कनेक्टिविटी बन के आती है। सो इस हिसाब से कुछ इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। अब मैं बात करता हूँ बिल्डर की, बिल्डर इसमें आ जाता है सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि अगर आपको पता होगा कि विद इन 2 to 3 मंथ मार्केट में भी लिस्ट हो जाएगा। तो मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि एक क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है और एक प्रीमियम भी जनरेट होता है, बिकॉज लिस्टेड प्लेयर आपको पता ही होगा कि उनका कुछ ना कुछ प्रीमियम रहता ही है, राइट। और सिग्नेचर ग्लोबल में गुड़गांव की बात करूँ तो अफोर्डेबल DDJY लो राइज फ्लोर, अब तो लग्जरी फ्लोर्स भी इन्होंने 63A में बना रहे हैं, कमर्शियल में, SEO में। सो ऑन एंड ऑल इनके हर टाइप के प्रोजेक्ट में बिल्डर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो अफोर्डेबल हो, अपना DDJY की फ्लोरिंग हो, SEO हो, कमर्शियल हो। सो एक्सपीरियंस बिल्डर आ जाता है आपका इस प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो आपका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, 12 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें अराउंड 400 प्लस के समथिंग जो है इसमें लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर आपके आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा बेसमेंट स्टिल्ट 4 फ्लोर एंड टेरेंस। बेसमेंट में जो है आपके यहाँ पे 4 की बजाय 3 स्पेस मिलेंगे, जो कि मिलेंगे 1st, 2nd, 3rd फ्लोर को, और जो आपका टेरेंस है वो रहेगा आपका 4th फ्लोर के साथ। तो इस हिसाब से कुछ इनका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर मैं बात करूँ साइजेस की, सो साइजेस इसमें 2 टाइप के साइजेस हैं, 2 BHK+2 वॉशरूम एंड 3 BHK+2 वॉशरूम। 2 BHK+2 वॉशरूम में साइज़ जो है अभी 955 है, और उसमें क्या है कि अगर आप बात करो बेसमेंट में जो 1st, 2nd, 3rd को स्पेस मिलता है
वो 225 to 325 के करीब स्पेस मिलता है उनको स्क्वायर फीट, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर फोर्थ फ्लोर है उनको मिलेगा आपका टेरेंस अराउंड 500 के करीब उनको स्पेस मिलेगा स्क्वायर फीट के करीब। दूसरा साइज़ जो हमारा आता है वो आता है 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का, उनका जो साइज़ है 1095 1095 स्क्वायर फीट, और उसमें जो है आपका जो स्पेस मिलेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में अराउंड 300 to 350, और जो फोर्थ फ्लोर है उसको टेरेंस में स्पेस मिलेगा 690। तो ये इस हिसाब से जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है, दो कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं बात करूँ आसपास हैबिटेशन की, तो जैसे ही आप मेन रोड से इस साइट के अंदर आते हो तो सेंट जेवियर स्कूल है, एक नया अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल मेन रोड के ऊपर आपका बन रहा है, इसके अलावा यदुवंशी स्कूल, DPS और आपका रॉयल स्कूल भी आपका जो है यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं बात करूँ आसपास हॉस्पिटल्स की, तो RV हॉस्पिटल, अपोलो आर्क हॉस्पिटल, आर्क हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर करके आपके हॉस्पिटल भी आ जाते हैं। कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल में आपका SS ओमानिया, सफ़ायर 83, 91, आयरिस ब्रॉडवे कमर्शियल, जिसमें आपको हर टाइप के ब्रांड, आपको डोमिनोज, KFC, जॉकी, हर टाइप के आपको ब्रांड मिल जाते हैं। आसपास अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो पीछे आप बेस्टेक का प्रोजेक्ट देख पा रहे होंगे, पिरामिड का है, सिग्नेचर का बिल्कुल आप थोड़ी सी आगे तक सिग्नेचर का प्रोडक्ट है। राइट साइड आपका माइक्रोटेक ग्रीन बैग का प्रोजेक्ट है, आप ऑन रोड जाओगे तो पिरामिड और भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। सो ऑन एंड ऑल हैबिटेशन के मामले में ये सारे इमर्जिंग सेक्टर हैं, सेक्टर 81 to 95, तो किसी टाइप की कोई दिक्कत है आपको यहाँ रहने नहीं वाली। सो इस हिसाब से ये हैबिटेशन निकल के आती है। सो अब मैं बात करता हूँ पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान से पहले मैं आपको साइट व्यू दिखाता हूँ कि साइट निकल के कैसे आ रही है, और फिर उसके बाद हम पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की बात करते हैं। चलिए, इस हिसाब से साइट हमारी निकल के आ रही है। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान अभी जो इनका है 9% से आपकी बुकिंग होगी, 16% आपको 60 डेज में देना है, फिर 25% आपको 8 मंथ्स में देना है, और फिर उसके बाद जो है 14 मंथ में आपको 20% देना है। सो इसका जो पेमेंट प्लान है 9%, 16, 25, 25, 20 एंड 5, इस तरह करके इनका पेमेंट प्लान निकलता है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, दो साइजेज हैं इनके, 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम एंड 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम। 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम में जो ऑल इन इनकी प्राइसिंग आ जाती है, क्योंकि सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी प्राइसिंग जो है थोड़ा स्पेस उसको ज़्यादा मिल रहा है बेसमेंट में, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर के कंपैरिजन में उसका प्राइस ज़्यादा है, और फोर्थ फ्लोर जिसको टेरेंस मिल रहा है पूरा, उसका जो साइज़ है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से प्राइस ज़्यादा है, राइट। तो अगर मैं 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम की बात करता हूँ, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर की प्राइसिंग ऑल इन
जिसमें आपका BSP, कार पार्किंग चार्जेस, IFMS, GST आपका इंक्लूड करके 76 लाख की प्राइसिंग आती है सेकेंड और थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की प्राइसिंग ऑल इन आती है 78 लाख, और जो आपका टॉप फ्लोर है फोर्थ फ्लोर, उसकी प्राइसिंग अराउंड आती है 81 लाख के करीब, राइट। अब अगर मैं बात करूँ 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम की, तो सेकेंड और थर्ड फ्लोर की प्राइसिंग जो अराउंड आती है 86 लाख, फर्स्ट फ्लोर की आती है आपकी 88 लाख, और जो आपका फोर्थ फ्लोर है उसकी 91 लाख ऑल इन प्राइसिंग आती है, जिसमें आपका BSP, कार पार्किंग, आपका जो IFMS, GST ऑल इन करके प्राइसिंग इसकी आती है। ये प्राइसिंग जो है फर्स्ट फेज की है, राइट, जिसमें कुछ लिमिटेड यूनिट अवेलेबल हैं। सेकेंड फेज के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो, जो विद इन 1 वीक लॉन्च होगा, और उसके UI के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए, क्या डिस्काउंट बिल्डर देगा, कैसे रहेगी उसकी प्राइसिंग। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी भी बात हुई है, साइजेस भी बड़े रहेंगे और प्राइसिंग भी फिर उसी हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जो अभी आज की डेट में हमारे साइजेस हैं उससे थोड़े बड़े साइज रहेंगे और प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो सेकंड फेज UI के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है फर्स्ट फेज के लिए, तो उसके लिए भी मेरे को नीचे दिए नंबर पर बात कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ मेन USP की, तो प्रीमियम बिल्डर है आपका, लिस्ट होने वाला है कुछ टाइम के अंदर, हर टाइप के प्रोजेक्ट में उसका एक्सपीरियंस है, लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप बात करोगे 81 सेक्टर की, NH8 से हार्डली विद इन 5 मिनट यू विल लैंड ऑन दिस लोकेशन, एमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर है आपका, लो राइज का आपको पता ही है आज की डेट में काफ़ी जो है एक पसंद किए जा रहे हैं क्लाइंट के द्वारा, एंड यूज हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, और इस हिसाब से अच्छा। एक मैं बीच में एमिनिटीज़ का रह गया था, एमिनिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, आपका योगा लोन, ओपन MP थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, हर टाइप की एमिनिटीज़ भी आपको इसमें मिल जाती हैं, जो मैंने मिस कर दिया था बीच में, राइट। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट। UI के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और भी अगर कोई क्वेरी हो कनेक्टिविटी या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन बिलो नंबर। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 इन सेक्टर 81। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।